नमस्कार दोस्तों, कोरोना की इस दोपहर में, लॉकडाउन में मैं पढ़ रही हूँ कुछ कविताएं आपके लिए और आपके साथ। आज पढ़ रही हूँ सदानंद शाही जी की दो कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है कविता से माफ हूँ। हे मेरी कविता मुझे माफ़ कर देना, हे मेरी कविता मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बस कागज़ की नाव पर बैठा कर छोड़ आता हूँ महासागर में। बिल्कुल निहत्था कि ज़रा अरब सागर की लहरों का हाल चाल ले लेना, वहाँ इतना हाहाकार क्यों है कि देख लेना प्रशांत महासागर का मादक संगीत कैसे थम सा गया है, कि देख लेना प्रशांत महासागर का मादक संगीत कैसे थम सा गया है, हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों का चित्कार भी सुन लेना, हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों का चित्कार भी सुन लेना, थोड़ा समय निकाल कर मिल लेना गंगा से, थोड़ा समय निकाल कर मिल लेना गंगा से, सुना है आजकल आस्थमा से परेशान है, यमुना से मिलना तो पूछ लेना उसके टाइफाइड का हाल, और जब यह सब कर लेना तो एक उपकार और करना, हे मेरी कविता मेरे घर की ओर बहने वाली सदा नीरा की उदासी का सबब भी जान लेना, मेरे घर की ओर बहने वाली सदा नीरा की उदासी का सबब भी जान लेना, इस तरह की दुनिया भर की समस्याएं देश के भीतर की उठा पटक, यहाँ तक कि दफ्तर की फसाहटें गांव जवार की झंझटें सब तुम्हें सौंप कर निश्चिंत हो जाता हूँ, सब तुम्हें सौंप कर निश्चिंत हो जाता हूँ, जब देखो तब तुम्हीं से करने लगता हूँ समय का रोना गाना, जब देखो तब तुम्हीं से करने लगता हूँ समय का रोना गाना, हे मेरी कविता मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कागज़ की नाव पर बैठा कर छोड़ आता हूँ महासागर में, बिल्कुल निहत था। और दोस्तों, एक छोटी सी कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ इसके साथ साथ। ये कविता मुझे बहुत क्रांतिकारी लगी, क्योंकि हम अक्सर कला की भूमिका की बात करते हैं, है ना, कि हमें एक्टिविस्ट हो जाना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, क्या हम कोरोना के इस दोपहर में अपने अपने घरों से निकलकर वॉलंटियर बन जाएं, क्या करें, है ना। कोरोना पर लगातार कविताएं लिखते हुए भी ये सवाल हम खुद भी करते हैं, अपने से भी दूसरों से भी साझा करते हैं, और कविता वह मंच है जहाँ हम अपनी सारी उदासी उड़ेल देते हैं। बेहद खूबसूरत यह कविता। और दूसरी जो छोटी सी कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ, संभवतः यह कविता का अंश है, ये मैं उनके ब्लर्ब से पढ़ रही हूँ, एक छोटी सी टिप्पणी मदन कश्यप की अभी पढ़ रही हूँ, जो ब्लर्ब मदन कश्यप जी ने लिखा है इस संग्रह का। मैं अभी जो कविता मैंने पढ़ी वो माटी पानी संग्रह से थी, और अब जो कविता पढ़ने जा रही हूँ वो सर की सुख एक बासी चीज़ है नाम के संग्रह से है। उसकी जो शीर्षक कविता है वो भी सुनाऊंगी मैं आपको कभी। बेहद खूबसूरत सार गर्भित कोरोना के समय में तो और भी ज़्यादा सार्थक कविता है, समसामयिक। लेकिन पूरा ब्लर्ब तो मैं नहीं पढ़ूंगी, और सर से इजाज़त के साथ, सदानंद जी मेरे गुरु की तरह हैं तो गुरु की चीज़ें पढ़ने में और सस्वर और आनंद आता है, तो बस दो चार पंक्तियाँ जिसमें मदन जी ने ये कहा है कि नएपन की एक अनवरत तलाश है जो जीवन के साथ साथ कविता को भी बचाती है। एक छोटी सी कविता है घर का रास्ता, यह सदानंद शाही की कविता तक पहुँचने का रास्ता भी है। तुम्हारे घर का रास्ता हर बार भूल जाता हूँ, हर बार नए सिरे से खोजता हूँ, भूलने खोजने और पाने के इस अनवरत क्रम में हर बार तुम्हें नया नया सा पाता हूँ। तो आशा है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। कविता तो है ही लाजवाब, मुझे बेतरह पसंद है, मेरा पाठ पसंद आएगा। दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।